वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, फूड लाइफ एंड होम डेकोर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके फ्रिज में भी इस तरह का कुछ पैचेस नज़र आ रहा है तो आपको उसे इमीडिएट क्लीन करने की ज़रूरत है। ये पैचेस क्या है? ये एक तरह के मोल्ड होते हैं जो फ्रिज के गैसकेट पर डेवलप होने लगते हैं। इनका रीज़न होता है फ्रिज के अंदर से कोल्ड एयर का लीक होना और वार्म एयर किचन की जो रहती है वो इंटर करने लगती है फ्रिज में। और इसे क्लीन करने की कौन कौन सी टिप है, इसे मैं होम सॉल्यूशन के साथ कैसे क्लीन करूँगी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका क्लीनिंग प्रोसेस। मानसून सीज़न में फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप कोशिश करें कि वीक में एक बार तो फ्रिज का कवर ऊपर से हटाकर उसे अच्छी तरह से क्लीन करें, बिकॉज़ वेदर में काफ़ी मॉइस्चर होता है। इस वजह से मे बी अगर कोई फंगस या मोल्ड डेवलप होना शुरू हो जाए तो आप उसे इमीडिएटली क्लीन कर पाएँ। और इस तरह का स्प्रे जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रिज के आउटर क्लीनिंग के लिए है। इनर क्लीनिंग में आप इसे कभी भी यूज़ ना करें, बिकॉज़ ये टॉक्सिक होता है। मैं उसके लिए आपको एक होम स्प्रे भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। होममेड क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने लिया है सॉल्ट। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप ले सकते हैं। मैं ऐड करूँगी वाइट विनीगर। वाइट विनीगर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए। इस सॉल्यूशन को मैंने पूरी तरह से हैंकी में डाल लिया है। हैंकी को पूरी तरह से गीला कर लेंगे और इससे मैं बहुत अच्छी तरह से फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूंगी, इनर पार्ट की। गैसकेट की डीप क्लीनिंग कैसे करनी है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए पहले क्लीन कर लेते हैं और आप देखिए इसका रिज़ल्ट, काफ़ी अच्छी तरह से ये डीपली क्लीन करता है और सेफ़ है। अगर मैं मार्केट का कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ करूँ तो वो टॉक्सिक होगा, हमारे खाने की चीज़ें इसमें रहती है जो कि बिल्कुल सेफ नहीं होता है। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितनी डीपली, कोई भी स्ट्रेन है मैं उसमें एक बार हैंकी का स्क्रब कर रही हूँ और वो वहाँ से रिमूव हो जा रहा है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है, ट्राई करें इसे। और इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि गैसकेट को कैसे क्लीन करते हैं। तो गैसकेट को क्लीन करने के लिए इसे मैं फ्रिज से रिमूव कर देना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप चाहें तो एक कोई मार्क लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट कौन से कॉर्नर का है। मैंने इस रबर को पूरा फ्रिज के डोर से अलग कर लिया है। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन रेडी कर रही हूँ गैसकेट को क्लीन करने के लिए। मैंने कप में ऐड किया है विनीगर, सॉल्ट और लेमन जूस। ये तीनों काफ़ी इफ़ेक्टिवली क्लीन करेंगे रबर के ऊपर जो मोल्ड आ गए हैं उसको। तो चलिए मैं इसे क्लीन करके आपको बताती हूँ। गैसकेट को इस तरह से मैंने प्लेटफॉर्म पे रखा है। मैं ऐड करूँगी लेमन जूस और विनीगर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर। उस तरह से इसे स्प्रेड करें, जहाँ पर वो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पर अच्छी तरह से उसे डालें। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक ब्रश, इस तरह का ब्रश है किचन का मेरा, मैं इससे इसे क्लीन करूँगी काफ़ी थ्रोली। देखिए आपके सामने ये प्रूफ है कितनी ईजिली ये क्लीन हो गया। बट इस रबर के अंदर भी काफ़ी इनर पार्ट होते हैं जिसे हमें काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन करना है। ये सॉल्यूशन को डालते जाना है और स्क्रब करना है इस ब्रश के हेल्प से और वो क्लीन हो जाएगा। रबर में जो फोल्ड्स हैं, जो लाइनिंग्स हैं, उसके अंदर भी आप अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लें। आप चाहे तो लेमन को भी स्क्रब कर सकते हैं वहाँ पे, इससे भी वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये फ्रिज के रबर का बैक साइड है। आप अच्छी तरह से इंश्योर करें कि ये पूरा क्लीन हो जाए, कहीं पे कोई पार्ट रह ना जाए, बिकॉज फिर से वो डेवलप हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत चली जाएगी। तो इसे अच्छे से स्क्रब करना है हमें ब्रश की हेल्प से। जहाँ जहाँ पे आपको दिखे आप उसे अच्छे से स्क्रब कर लो और उसके बाद इसे पानी से वॉश कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि इसे फिट कैसे करते हैं। गैसकेट को वापस फिट करने से पहले आप अच्छी तरह से डोर का जो पार्ट गैसकेट के पीछे रहता है उसे भी क्लीन कर लें। बहुत सारे नैरो एजेस होते हैं, उसे भी आप एक नाइफ की हेल्प से उसे अच्छी तरह से क्लीन करें और इसके बाद ही गैसकेट को फिट करें।
गैस्केट को फिट करना काफ़ी इजी है। मैंने उसे रिमूव करने के टाइम यहाँ पे एक छोटा सा मार्क लगा लिया था, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि ये फ्रिज का कौन सा साइड है। फ्रिज में ऑलरेडी ग्रिप बनी हुई रहती है, आप बस इस गैस्केट को फिक्स करो और हैंड से प्रेस करती जाओ, इससे आराम से ये फ्रिज में फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल पहले की तरह ही इसकी फिटिंग रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए मैं आपको आगे का भी एक क्लिप दिखाती हूँ जिसमें मैंने इसको शो किया है। ये क्लिप में आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फिक्स है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फूड लाइफ एंड होम डेकोर को।